सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री बकुरबल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। आज का व्लॉग है फोकस टीथिंग के ऊपर, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं जब उनके दांत निकलते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन होते हैं, बुखार भी आ जाता है। तो उससे आप कैसे बचाएं अपने बेबी को, टीथिंग के दौरान आप उसको क्या दे सकते हैं, आयुर्वेदिक में इसका इलाज है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, टीथिंग का इलाज सिर्फ आयुर्वेदिक में है। जो आयुर्वेदिक काम करता है वो जड़ से काम करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल मेडिसिन को मिला के कंपोज करके एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया है जो आपके बेबी जब टीथिंग होती है तो उसको आप अप्लाई करते हो उनके गम्स में, यानी मसूड़ों पे। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो उनको रिलैक्स फील होता है, लूज मोशन नहीं होता, बुखार भी नहीं आता है। तो वो क्या चीज़ है वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। उस चीज़ में आप क्या दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको देना है दंतोद्भेद गदांगक। दोस्तों, ये फॉर्मूला आयुर्वेदिक का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टीथिंग के लिए। आपके बच्चों में अगर टीथिंग हो रही है तो आप ये फॉर्मूला दीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो गम्स, जो छोटी बेबी के जो गम्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऑब्वियसली बात है, बेबी आपका छोटा है तो हर चीज़ उसका सेंसिटिव रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए ये कॉम्पोजिशन बनाया गया है दंतोद्भेद गदांतक। ये टैबलेट फॉर्म में आता है दोस्तों, तो आप उन्हें दो टैबलेट, यानी दो टैबलेट इसमें निकालिए, उसको पेपर पे क्रश कर लीजिए स्पून, विद द हेल्प ऑफ टी स्पून आप उसको क्रश कर लीजिए। सॉफ्ट रहती है तो क्रश हो जाएंगी, पाउडर फॉर्म में आपके सामने वो चीज़ आ जाएगा। फिर उसमें शहद मिलाइए, हनी के साथ इसको देना है दोस्तों, क्योंकि हनी के साथ अगर आप देंगे ना तो उसको मीठा लगेगा बेबी को, तो वो जल्दी उसको कंज्यूम करेगा। और उसको देना कैसे है, पहले तो आप उसको थोड़ा दे दीजिए, जितना क्वांटिटी है उसका दे दीजिए, और बाकी का जो बचेगा आपका वो उनके गम्स में अप्लाई कर दीजिए। यानी उंगली से, वो एक मदर ही कर पाएगी तो उंगली से उनके गम्स में अप्लाई कर दीजिए हल्के हाथ से, बिल्कुल उसको रब नहीं करना है, बिल्कुल उनके गम्स में आप अप्लाई कर दीजिए उंगली से। जिससे क्या होगा, टीथिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनको ना लूज मोशन होंगे ना बुखार आएगा, उनके दांत अच्छे से बाहर आ जाएंगे। दंतोद्भेद गदांतक टीथिंग के लिए सबसे बेस्ट है, जिससे आपकी बेबी को तकलीफ नहीं होती है और इजीली टीथ बाहर आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। सो स्टे ट्यून्ड एंड